छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षक के 33,000 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती आप सभी के लिए 2024 की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है भर्तियां 2024 की सबसे बड़ी बिगेस्ट भर्तियां 2024 की काफी महत्वपूर्ण भर्तियां 2024 की सबसे बड़ी भर्ती सबसे बड़ी वैकेंसी आप सभी स्टूडेंट्स के लिए 2024 आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करें शिक्षक के तो 33,000 पदों पर 2024 में सबसे बड़ी भर्ती सीधी भर्ती 2024 के आप लोगों के लिए होने वाली है। ब्रेकिंग न्यूज, भर्ती विज्ञापन जारी हो चुका है। एग्जाम जो है आप सभी के लिए कब होगा मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। तो आप सभी स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि अभी से ही आप सभी स्टूडेंट जो है छत्तीसगढ़ में जो है शिक्षकों के जो है 33,000 पदों के लिए तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। अभी से आप तैयारी करोगे तो आपका एग्जाम क्वालिफाई हो पाएगा और अभी से प्रिपरेशन अगर आप अच्छे से करते हैं तो मैक्सिमम चांसेस है कि आपका गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका कॉम्पिटिशन एग्जाम फिर क्वालिफाई हो पाएगा। अगर हम बात करें 33,000 शिक्षकों की भर्ती परीक्षा के लिए, अगर आपका सीजी टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो चुका है, क्योंकि देखो जब तक आपका सीजी टेट एग्जाम जो है क्वालिफाइड नहीं होगा, छत्तीसगढ़ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीजी टेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा तब तक आप जो है टीचर्स नहीं बन पाएंगे, तब तक आप जो है शिक्षक जो है आप नहीं बन पाएंगे। तो सीजी टेट एग्जाम से आपका क्वालिफाई होना काफी इंपॉर्टेंट है। सीजी टेट एग्जाम से अगर आपका क्वालिफाई हो चुका है तो आप आराम से इसके लिए एलिजिबल हो, आप आराम से इसके लिए आवेदन जो है कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में ताकि आपको एक एक चीजों के बारे में नॉलेज जानकारी मिल पाए। तो आप लोग देख सकते हैं सिलेबस एग्जाम पैटर्न की अगर हम बात करें तो कुल आपके एग्जाम्स में जो है 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। जी हाँ, कुल जो है 150 प्रश्न आपके एग्जाम्स में शिक्षक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे, जिसमें बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके एग्जाम्स में 30 अंकों के 30 प्रश्न आएंगे, सामान्य हिंदी से 25 अंकों के 25 प्रश्न, सामान्य अंग्रेजी से भी 25 अंकों के 25 प्रश्न, गणित और विज्ञान से 30 अंकों के 30 प्रश्न, सामाजिक अध्ययन से 20 अंकों के 20 प्रश्न, कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंकों के 10 प्रश्न और सामान्य ज्ञान से भी आपके एग्जाम्स में जो है 10 अंकों के सामान्य ज्ञान से भी आपके एग्जाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये भी आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप में से हर एक स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिशन एग्जाम्स क्वालिफाई करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बात करें तो इसमें आपके विकास की अवधारणा एवं उसके सीखने से संबंध, बच्चों के विकास के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य एवं अभ्यास, सीखने में कठिनाई, विकलांगता आदि से संबंधित बच्चों के शिक्षण से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जी हाँ, और आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आप सभी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं, आप सभी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ में काफी बड़ी अपडेट निकल के आ रहे हैं। आप सभी के लिए जो है छत्तीसगढ़ में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र और कुल जो है 33,000 पोस्ट आप सभी स्टूडेंट्स के लिए निकल के आ रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट अगर अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, जो भी स्टूडेंट अगर अच्छे से एग्जाम्स के प्रिपरेशन करते हैं तो आपका मैक्सिमम चांसेस है कि सिलेक्शन हो पाए। हिंदी की बात करें तो हिंदी में आपके पूरे व्याकरण जो है पूछे जाते हैं और 30 अंकों के व्याकरण भी आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और हिंदी के 30 मार्क्स के जो व्याकरण है ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो हिंदी में आपके एग्जाम्स में स्वर, व्यंजन, अक्षर, वर्तनी, पर्यायवाची शब्द, संज्ञा, संज्ञा के प्रकार, सर्वनाम, अनेक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, देशज, वाचन, लेखन एवं पठन कौशल, ये सभी आपके हिंदी से भी पूछे जाते हैं। तो आपके एग्जाम्स के लिए हिंदी भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। ग्रामर्स की बात करें तो इसमें वोकैबुलरी, टेंस, वॉइस, सेंटेंस, क्वेश्चन टैग, डिग्री, आर्टिकल, प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, नरेशन, ये सभी पूछे जाते हैं। तो नरेशन भी कथन आपके इंग्लिश के ग्रामर्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर्स की तैयारी करने के लिए आप जो है इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक ले सकते हैं। जी हाँ, तो यदि आप इसे इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करेंगे, यदि आप इसेंशियल इंग्लिश रश्मि सी दिशा पब्लिकेशन के बुक से इंग्लिश की तैयारी करते हैं, इंग्लिश के प्रिपरेशन करते हैं तो आप इंग्लिश में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं। गणित की बात करें तो इसमें आपका घातांक, बीजी, व्यंजक, गुणनखंड, समीकरण, श्रेणियां, ब्याज, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशत, जन्म एवं मृत्यु दर, जनसंख्या वृद्धि दर, समय तथा दूरी, रेखा तथा कोण, समतली आकृति, सांख्यिकी, ये सभी पूछे जाते हैं। तो गणित जो होता है, मैथ्स जो होता है वो एक ही बार में
मैथ्स का क्वेश्चन एक ही बार में जो है गणित के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। गणित के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना होगा, बार बार आपको मेहनत करना होगा। तो बार बार अगर आप कोशिश करोगे, बार बार अगर आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार अगर आप मेहनत करोगे तो अवश्य रूप से फिर आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। बार बार कोशिश करोगे तो कामयाबी आपको जरूर मिल पाएगा। साइंस की बात करें जिसमें आपके बल एवं गति, वाष्पन, सुचालक, कुचालक, प्रकाश के स्रोत, ध्वनि के प्रकार, ध्वनि संचरण, चुंबक के गुणधर्म, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व, ये सभी आपके एग्जाम्स में जो है पूछे जाते हैं और ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और सूक्ष्म जीवों से फैलने वाले रोग जिसमें आपके खसरा, डिथीरिया, हाइजा, टाइफाइड रोगों से बचाव, संतुलित भोजन, ये सभी आपके एग्जाम्स में आएंगे। सामाजिक अध्ययन की बात करें तो इसमें आपके भारतीय समाज एवं संस्कृति, मौर्य साम्राज्य तथा गुप्त साम्राज्य, भक्ति और सूफी आंदोलन, ये सभी पूछे जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जितना हो सके अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। कंप्यूटर्स की बात करें तो इसमें आपके कंप्यूटर्स के उपयोग, कंप्यूटर्स के प्रमुख भाग जिसमें CPU, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानकारी, प्रिंटर के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जानकारी, इंटरनेट के बारे में जानकारी, इन सभी से जानकारी आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके इन सभी की जानकारी आप अच्छे से ले सकते हैं और अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी आप जो है कर पाएंगे। सामान्य ज्ञान की बात करें तो इसमें आपके भारतीय राजनीतिक व्यवस्था एवं संविधान, भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, अर्थव्यवस्था, छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी, ये सभी पूछे जाते हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से आपको एग्ज़ाम्स की तैयारी करना है, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से आपको एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशंस करना है। अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे, अच्छे से प्रिपरेशंस करोगे तो अवश्य रूप से आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अवश्य रूप से फिर हम जो है कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को फिर क्वालिफाई आप जो है कर पाएंगे और डेफिनेटली निश्चित तौर पर भी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो तैयारी आपको अच्छे से जो है करना होगा और बस यही है कि खुद के ऊपर भरोसा रखो। और आप सभी के लिए आने वाले टाइम में जो है 33,000 जो है शिक्षक के भर्ती हैं, 33,000 जो टीचर्स की वैकेंसीज हैं, 33,000 टीचर्स की जो पोस्ट हैं, यहाँ पे से हर एक स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आपको कामयाबी दिलाने के लिए काफ़ी बड़ी पोस्ट है। तो यही कहना चाहते हैं कि वीडियोस अगर अच्छा लगा हो, पसंद आया तो लाइक करना, चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, आपको साथ में बेल नोटिफिकेशंस को ऑन करके रख लेना है, एंड वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बहुत से लोग होते हैं जिन तक जानकारी नहीं पहुंच पाता, बहुत से लोग होते हैं जिन तक वीडियोस नहीं पहुंच पाता, प्लीज़ उन लोगों तक आपको वीडियोस को शेयर करना है ताकि लोगों तक वीडियोस जो है पहुँच पाए, ताकि सभी लोगों तक जानकारी अपडेट जो है आप सभी को देखने को मिल पाए। तो आप लोगों से यही कहना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको शेयर करना है ताकि सभी लोगों तक देखने को मिल पाए। तो जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, बीएड, डीएलएड हो चुका है, टेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो चुका है, वो सभी स्टूडेंट एग्जाम्स के लिए जो है कैपेबल है, आप आराम से आवेदन फिर कर सकते हैं। देन थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।